सीरियल मेहंदी है रचने वाली। शो में आप देखेंगे कि पल्लवी अचानक से बेहोश हो जाएगी। राघव और पल्लवी की तकरार होने के बाद पल्लवी को सिर में दर्द होगा और वो बेहोश पड़ी मिलेगी। राघव उससे माफी मांगने के लिए, उससे बात करने के लिए आएगा कि तभी जब वो कमरे में बेहोश पड़ी पल्लवी को देखेगा तो वो हड़बड़ा जाएगा और फौरन पहुंचेगा उसके पास। राघव डॉक्टर को बुलाकर पल्लवी का चेकअप करवाने वाला है और डॉक्टर राघव के सामने एक बड़ा खुलासा करने वाली है पल्लवी की बीमारी से जुड़ा, कि आखिरकार अचानक से पल्लवी को हुआ क्या। दरअसल इन दिनों काफी स्ट्रेस से गुजरी है पल्लवी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इन दिनों पल्लवी की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसका मेंटली इफेक्ट पड़ा है उसकी मेंटल हेल्थ पर। वेल, ऐसे में इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने के चलते ही पल्लवी का ये हाल हुआ है और डॉक्टर ने राघव और उसकी फैमिली को सजेस्ट किया है कि अब फिलहाल के लिए पल्लवी का खुश रहना ज़रूरी है और कोई भी ऐसी बात उसके सामने ना की जाए जिससे उसे हर्ट हो या फिर वो ज़्यादा टेंशन ले। पर ये सुनकर अब राघव खुद भी बहुत गिल्ट फील करेगा और फैसला लेगा पल्लवी का खास ख्याल रखने का भी। तो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब और कौन सा नया मोड़ लेती है सीरियल मेहंदी है रचने वाली की कहानी। राघव और पल्लवी के इस रिश्ते में जो गलत फहमियों का गुब्बार है वो कैसे दूर होता है। इंतजार रहेगा शो में आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का।